उत्तर प्रदेश के रायबरेली में विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जी आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। रायबरेली में भी विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित कर ज्ञापन सौंपा। विपक्षी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ये कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हम इस निलंबन का विरोध करेंगे और सरकार को इस फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। ज्ञापन में कहा गया कि विपक्षी सांसदों को निलंबित करना लोकतंत्र की हत्या है, सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए और विपक्ष की आवाज को सुनना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए और विपक्ष की बात सुननी चाहिए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों को निलंबित करके सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए रायबरेली से संवाददाता राम सुमेर की रिपोर्ट। प्रोग्राम पे अभी आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश के सांसद 46 सांसदों को निलंबित कर दिया है। लोकतंत्र के विरोध मोदी की सरकार ने काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और उनके सारे मंत्री जो हैं लोकतंत्र के की हत्या कर रहे हैं। आखिर हमारा लोगों का संवैधानिक अधिकार है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मांग कर रहे थे कि संसद की सुरक्षा किया जाए और तमाम मांगे के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर उनकी आवाज़ को दबाई जा रही है। तो इस तरह भाजपा की सरकार द्वारा लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आज हम सारे कांग्रेस के लोग आए हैं कि जो 146 सांसद को अनैतिक तरीके से विधि विरुद्ध तरीके से इनको निलंबन किया गया है, उनका निलंबन वापस हो और ये देश की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, मोदी की सरकार है, इसको बर्खास्त किया जाए। अगर निलंबन वापस नहीं हुआ तो क्या रणनीति आगे होगी? हम लोग लगातार गांधीवादी तरीके से विरोध करते रहेंगे। हमको जितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे हम लोगों सारे हमारे कांग्रेस के साथ साथियों को जेल जाना पड़े, हम सारे लोग विरोध करते रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम लोग सड़कों पर उतरे रहेंगे। अध्यक्ष जी, गठबंधन में आप सपा और कांग्रेस साथ में है, और ये प्रदर्शन में अलग अलग क्यों? ये गठबंधन है कि नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व का ये मामला है। हम लोगों जो 46 सांसद जो है अनैतिक तरीके से विधि विरुद्ध तरीके से निलंबन किए गए हैं, हम लोग उनके समर्थन में आए हैं। ठीक।